ये अब उस सब्जी की तैयारी कर रहे हैं, मुझे कह रहे थे मैं ही बनाऊंगा अच्छे से, इतनी महंगी सब्जी है खराब कर देगी। ठीक है, तो ये इन्होंने थोड़े से लिए सभी हैं। को नमस्कार। आज हम और आपको बताएंगे कौन सी सब्जी बना रहे हैं जो कि हाँ, ये इंडिया की मैंने बना सबसे दी है। कॉस्टली सब्जी है। और ये लहसुन देखो अब काट रहे हैं, और ये प्याज, अब टमाटर और मिर्ची हम कम ही डालते, एक ही, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। तो अभी इन ये ही बना के दिखाएंगे मुझे ये रेसिपी, और मैं खाऊंगी। वैसे देखो मैंने बनाई है पहले, पर ये कहते हैं कि मैं ज़्यादा टेस्टी बनाता हूँ। तो अब ना अभी तो ये कर रहे हैं, है ना? ठीक है, उसके बाद ये चॉपर और में। आपने कमेंट में बताना है कि टेस्टी कौन बनाता है। टेस्टी कौन बनाता है? इन्होंने बेचारों ने थोड़ी खानी है। ठीक है, तो ये हम, जो हमने प्याज मेरे चॉपर का, और ये देखो जी, आज ये शेफ बने हैं, और आज मैं इनके हाथ की बनाई खाऊंगी सब्जी। ठीक है, क्योंकि ये कह रहे मेरे पैसे लगे हैं ना, इतनी महंगी सब्जी मैं 10,000 की लाया हूँ, तो फिर तू खराब कर देगी। तो अब ये बनाएंगे, जैसे जैसे भाई तैयार होएगी वैसे वैसे आपको भी दिखाएंगे, और आप ला सकते हैं और बना सकते हैं। और बहुत ये यम्मी होती है, बहुत टेस्टी होती है, क्योंकि हमारे घर में नॉन वेज नहीं बनता है, और सबसे अच्छी इनको, बात तो यह है कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है ये। हाँ, और क्योंकि चक्कर ये है कि हम घर में नॉन वेज नहीं बनाते हैं ना, यहाँ पे लाते हैं, तो इसका टेस्ट कहते हैं कि वैसा ही होता है ना। मैंने तो कभी खाया नहीं है, इन्होंने खाया है, तो ये कहते हैं नॉन वेज का टेस्ट ऐसा होता है, तो इनका नॉन वेज की पूरी पूरी ये करती है। ठीक है, माता रानी करके हमारे घर में नॉन वेज नहीं आता ये है। ठीक तैयार है, करके भी हमने डालना है चॉपर में। और ये अब ये चॉपर में डाल लेंगे ये, और ये देखो भिगोई है ना हमने, ये 4-5 घंटे भिगोई थी, मैंने आपको भिगोते टाइम दिखाई थी। अब भीग के ना ये ऐसी हो गई, मैंने आपको बताई थी कि इसकी शेप ना ब्रेन की तरह होती है, जैसा हमारा ब्रेन होता है ना, ऐसे ही ऐसे ही होते हैं। मैं तो ऐसे करती थी, इसके 3-4 पीस ना किसी किसी भी दाल में डाल देती हूँ, और दाल में डाल देती। अब ये बस ग्रेवी तैयार करेंगे, और इतने एक्साइटमेंट हो रही है इनको कि भैया अब ये कब बन जाए और मैं कब खा लूँ। तो ऐसा है कि फिलहाल तेल गरम करने को रख लो, उतने में जब ग्रेवी श्रेवी बन जाएगी। ये देखो प्याज कर दिया, और वैसे ये मुझे पूजा के लिए काफ़ी टाइम देते हैं, क्योंकि सब्जी अच्छी बनाने लग गई, ये सीख गए, मुझे कहते हैं तू पूजा कर ले आकर। ठीक है, याद रखा तो भाई हाँ, ये बहुत बढ़िया करके चॉप कर दिया अब इन्होंने। अब अदरक लहसुन अलग से करेंगे, पहले ये अदरक लहसुन भूनते हैं, फिर उसके बाद प्याज भूनते हैं, उसके बाद टमाटर भूनते हैं। जब पूरी ग्रेवी कर देंगे तो फिर मैं दिखाऊंगी। ठीक है, तो अब ऐसे शॉर्टकट। ठीक है, और ये देखो दिसंबर, नवंबर, नवंबर चल पड़ा है, दिसंबर 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 चल पड़ा है, और हमारे को इतनी गर्मी लगती है, हमने अभी भी पंखा चलाया, और इनको पसीना आ रहा है और मुझे भी आ रहा है। वैसे तो मैं भी अपने अपनी दिखा देती हूँ तो आपको, मैं मैं भी यहीं खड़ी हुई हूँ, और आज तो मैं बैठी हूँ, बस अब मैं खाना इनका खाऊंगी। क्यों? क्योंकि अब तो मैं चली हूँ पूजा करने, इनके मैं कहा था वीडियो शूट करके, मैं चली हूँ, मेरे को छेड़ना मत, आप बना रखना सब्जी। ठीक है, तो ये बना रहे हैं, तो अब आ करके मैं खाऊंगी खाऊंगी। ठीक है ना, और अब आपको बताऊंगी मैं कैसे बनती है, और सच में बहुत 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 टेस्टी होती है ये सब्जी। ठीक है ना, थोड़े इसके छोटे छोटे पीस कर रहे हैं, दो दो ना ये, तब कि भाई थोड़ा मसाला ना इस पे चला जाएगा। वैसे कहते हैं कि ये पहाड़ों में ही ना, मतलब कि होती है इसकी ना, कोई वो बीज नहीं होता है, कहते हैं जब बादल गरजते हैं ना तो ये धरती से ना अपने आप फूटती है, और कहते हैं बड़ी किस्मत वालों को ये नसीब होती है, किस्मत वालों को ही होती है, अब इसलिए कि 20,000 रुपये किलो है ये। ठीक है, अगर 4-5 किलो भी किसी ने पकड़ ली तो देख लीजिए आप भाई कितने की हो जाएगी ना। तो पहाड़ में लोग इकट्ठी करते हैं और फिर बेचते हैं, इसका नाम और भाई हम वीडियो के बिल्कुल लास्ट में बताएंगे। हाँ, और ये ऐसे ऐसे है, तो ये इतनी इतनी छोटी सी इस एक कटोरी बस इसके पापा लैक बनेगी, बच्चे मेरे खाते नहीं है, बच्चे कहते हैं मम्मा क्या है ये, वो नहीं खाते, लेकिन हमें पता है कि ये कैंसर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है, वैसे कहा जाए तो बहुत सी बीमारियों को दूर करती है। तो अब ये बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये बनने जा रही है, ये देखो जी किचन किंग, और ये काली मिर्च, और ये क्या कह सकती हूँ, हल्दी, ये हल्दी नमक, और ये गरम मसाला, और ये जिंजर पाउडर है, और ये सब ना देसी चल रहा है, क्योंकि हम ना ब्लॉग्स नहीं बनाते हैं किचन के, और ना ही ये हमारा वो है
बट सब्जी इतनी वो है कि हम सोच रहे हैं कि इसकी ऐड दे ताकि पहाड़ों की सेल बढ़ जाए, ठीक है। तो ये सब बना रहे हैं और ये अब इनको डाल लेंगे। और ये अब इन्होंने ऐसे 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 प्याज बना दिया ब्राउन ब्राउन, और थोड़ा थोड़ा मेरे को लग रहा है कि लहसुन को ज़्यादा साड़ दिया। और अब ये सारे मसाले इसमें डालेंगे तो बनती है, तो आपको रेडी करके दिखाऊं। देखो जी ये ग्रेवी तैयार हो गई है और अब ये इसमें डाल रहे हैं, डाल के बस तैयार हो करके फिर आपको दिखाएंगे। और ये डाल दी, ठीक है। तो ये आज इनकी बनाई हुई है और ये नए शेफ आए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको अब मैंने इनसे बनाया करने, तो भगवान ने मेरा सारा कुछ छुड़वा दिया। एक मैं सब्जी बनाती थी, अब वो भी ये बनाएंगे, बस कुछ नहीं करना मेरे को बस। ये जी अब रेडी होगी सब्जी। ये अब धनिया डाल रहे हैं और ये देखो जी अब डल गया इसमें धनिया। और ना वैसे तो ना ये कोयले की धुनी भी लगाते हैं अभी ना, और ये लगाएंगे पर बट इनको इतनी ज़्यादा वो एक्साइटमेंट हो रखी है कि भाई अब मैं ना ये खा लूँ, पहले मैं टेस्ट कर लूँ। और पता नहीं कितनी का इनको जल्दी हो रही है और बेचारों का सब कुछ छुटा पड़ा है, ये कुछ नहीं खाते हैं, नॉन वेज नून वेज। तो ऐसा है तो पता नहीं अब इन्होंने बनाई है ना, ये तो बोलेंगे आय हाय हाय ओह बहुत साल मेरे को पता था स्टाइल। भगवान कसम, हाँ भगवान कसम, मेरी कसम खाओ ना, तेरी कसम भगवान की चिट्ठी ना खाना। अच्छा चलो भाई, ये ओए होए कर रहे तो इसका मतलब अच्छी होएगी और बहुत बढ़िया है जी। हमने बना के आपको बता दी और ये इन्होंने आपको बता दी अब, तो ऐसी ऐसी सब्जी बनाई है। ये मेरा मुंह चलाना है और ये सच में बताइए कैसी है। अच्छी है भाई, अच्छी है, बहुत अच्छी। जब इतने पैसे लगे तो अच्छी है और हाँ अच्छी है। और ये आप लोगों को दिखाई है हमने, देखो कभी कभी ये चीज़ें भी आप लोगों से शेयर करनी चाहिए क्योंकि ये सब तो चलता ही रहेगा, भूत प्रेत तो चलते रहेंगे भाई। मैं तो ये अब ये बस छोड़ने वाली हूँ, ये काम मुझसे नहीं होता भाई, बड़ी जिम्मेवारी वाला काम है ये तो। हाँ ठीक है, तो ऐसे ऐसे रेसिपी बना के आपको खिलाया करेंगे, ठीक है। तो जय माता की, दोबारा मिलेंगे, ठीक है।